दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत असम और पूर्वोत्तर के छात्रों ने गत 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रास कीर्ति 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया। यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम में समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया सहित कई लोग मौजूद रहे। बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस एक महीने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके तहत विभिन्न कॉलेजों में आर्टिकल लेखन, चित्रकारी, फोटोग्राफी, पोस्टर मेकिंग सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन समारोह के दौरान रामजस कॉलेज के सभागार में महापौर श्रीमंत शंकर देव पर आधारित एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। खूब भल कम महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव सन्दर्भ इतना आलोचना अनुषित कर और गुरुजनार प्रति जी तखे भक्ति भावे गभर अत्यंत निष्ठार जी कार्यसूची इतना आयोजन कर कार्यसूची जुगे निश्चित भावे बहु लोके गुरुजनार विषय इतना जानवे सक्षम से और एनेरणे आम गुरुजनक विश्वर बुकुत विशेषको गुरुजनार अमर सृष्टिबाको विषय विश्व मानव समाजक आम अवगत कर सकोरे दायित्व आज मैं अत्यंत आज आनंदित और सुखी जे दिल्ली आमार देशर राजधानी और ये राजधानी जगतगुरु श्रीमंत शंकरदेव महापुरुषजनार नाम एटी सुंदर अनुष्ठान तेखेतर सम्पूर्ण जीवन दर्शन समाहित करी एखन नाट्यभिनय इयात आयोजन हुइछे और आमी শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার যি সৃষ্টিরাজি সেইখিনি সমগ্র বিশ্বর লগতে বিশ্বর কোণে কোণে যাতে আমি প্রসার প্রসার করিব পারো তার কারণে এই যেটুকু তেওঁলোকে সুন্দর একটা প্রয়াস মহৎ প্রয়াস হাতত লৈছে তার বাবে উদ্যোক্তা মণ্ডলীক মই বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ দিছো, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আর এনেকুৱা অনুষ্ঠান দেশের বিভিন্ন প্রান্তত আগন্তুক দিনত আমি আয়োজন করব লাগিব।